आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Mi Earphones Basics और ये है आपका, ये आपका जो चाकू है ये भी लाल रंग का है और ये जो ईयरफोन्स है ये भी लाल रंग का है। अगर आप पूछोगे कि लाल रंग क्यों है, लाल रंग इसीलिए है कि नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो भी लाल कलर का है और अगर आप ये लाल कलर का ईयरफोन्स अनबॉक्सिंग देखते देखते अगर आप वो वाला बटन दबा दो और पास में बेल आइकन, तो मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा इसलिए। तो चलिए निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सा पैकिंग है, इस तरह का पैकिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यह है आपका Mi Earphones Basic विद माइक और यहाँ पे आपको डीप बेस मिलेगा और बैलेंस साउंड है, एल्यूमिनियम साउंड चैम्बर और लाइट वेट, इनोवेशन फॉर एवरीवन। चलिए इसको अनबॉक्स कर डालते हैं। अगर हम बॉक्स की पैकिंग देखें तो यहाँ पे आपका 599 रुपीस का प्राइस लिखा गया है, लेकिन ये आपको 399 रुपया में अमेजन से मिल जाएगा। और यहाँ पे ज़रूर हम ये चेक करेंगे कि 150 रुपया 200 रुपया दे के हम जैसे ऐसे मोबाइल की दुकान से लोकल ईयरफोन्स खरीदते हैं उससे ये कितना बेहतर है, क्या हमें और 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करके ये हेडसेट लेना चाहिए। ये ऊपर की तरफ से ये खुलता है, तो पहले चलिए इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि अंदर का पैकिंग कैसा है। ये इस तरह का आपका पैकिंग आएगा, कलर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ये रेड कलर पे आ रहा है आपका। अंदर की तरफ आपको मेटल ग्रिल मिल रहा है यहां पे। ये आपका माइक है, कॉल आप रिसीव और डिसकनेक्ट कर सकते हो इससे। एक टैक्टाइल फील है काफी अच्छा। ये आपका गोल्ड प्लेटेड है। यहां पे आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाता है, जो ईयरबड्स ऑलरेडी अप्लाइड है वो है मीडियम वाला। पैक के अंदर आपको लार्ज और स्मॉल मिलेगा, आपको जो कंफर्टेबली फिट होगा वही आप यूज कीजिए बेस्ट साउंड क्वालिटी के लिए। केबल का लेंथ काफी बड़ा लंबा है, तो डेफिनेटली लेंथ लेके कोई इशू नहीं होने वाला है। केबल का क्वालिटी भी काफी अच्छा है, अगर आप यूज करोगे तो आपको प्रीमियम फील होगा। ईयरबड्स के पास में ये प्रोटेक्शन है जिससे आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करने से यहाँ से नॉर्मली आपका तार कट जाता है और एक साइड का ईयरफोन पहले खराब हो जाता है, तो यहाँ पे वो होने का चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रोटेक्शन अप्लाइड है। ईयरफोन्स काफी लाइट वेट है, प्रीमियम फील देते हुए भी काफी लाइट वेट है। अगर हम चेक करें तो केबल का क्वालिटी ऐसा है कि केबल इजीली टैंगल भी नहीं होता है, जो नॉर्मली एक बड़ा प्रॉब्लम होता है बैग में रखने के बाद, निकालने के बाद आधा घंटा निकल जाता है उसमें जो गांठे पड़ जाता है वो खोलने में, इस हेडसेट में वो होने का चांसेस डेफिनेटली कम है। रिव्यू तो हो गया, यानी इसको काफ़ी देर तक मैंने सुना और उसके बाद मैंने एक कुछ पॉइंटर्स बनाया है। रात के नहीं, सुबह के 4:30 बज रहा है तो वीडियो चल रहा है, मैंने ये स्टार्ट किया अराउंड 12:30 बजे। उसके बाद बहुत सारा वीडियोस मैंने यूट्यूब पे सुना, कुछ गाना सुना, संडे सस्पेंस सुना, कुछ कॉल्स किया और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हेडफोन में आपको कैसा क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात करें कि साउंड क्वालिटी अच्छा है, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया कि जब मैं गाना सुन रहा था, आप यूट्यूब पे कहो या फिर मैंने जियो सावन जो आपका एप्लीकेशन है वहां पे मैंने सुना, मेरे एसुस के एसुस जेन 4 मैक्स प्रो M1 6GB वाला जो वर्षन है उस पर मैंने सुना, और वहां पे मुझे कुछ रिवर्ब, यानी जैसे आपका एम्प्टी रूम इफेक्ट जैसे होता है, यानी अगर आपका एक घर खाली है और वहाँ पे कुछ भी घर के अंदर आपका रूम के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं है, मतलब कोई फर्नीचर या कुछ भी नहीं है, तो उस जगह पे अगर आप बात करते हो या फिर गाना चलाते हो हल्का सा इको जैसा होता है वो आपको वहाँ पे मुझे मिला है, वो आप नोटिस करोगे वहाँ पे। सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पे जैसे कहा गया कि डीप बेस आपको मिलेगा, हाँ
डीप बेस आपको यहाँ पे मिलेगा। मेरे पास सेनहाइजर का CX180 वाला ईयरफोन से वो काफ़ी अच्छे है, लेकिन वहाँ से ये यहाँ पे आपको बेस ज़्यादा मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पे जो बेस होगा वो थोड़ा और थोड़ा क्लियरर होगा, यहाँ पे क्लियरिटी थोड़ा सा कम लेकिन काफ़ी अच्छा। ये आपका साउंड आपको काफ़ी बैलेंस देता है, यानी आपका जो लोअर टोन से मिड टोन से काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये आपके कान में काफ़ी अच्छी तरीके से फिट होता है। अगर हम अभी देखें इसको तो ये मतलब कान में डालने के बाद ये जो आपको जो आइसोलेट करता है, यानी साउंड जो आपका कैंसिल करता है, वो काफ़ी अच्छा करता है। इसमें आपका एंटी स्लिप सिलिकॉन ईयरप्लग्स है। मैंने 2 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पे मैंने गाना सुना, लेकिन वहाँ पे मुझे गाना सुनने के वक्त मुझे कोई भी किसी तरह से कान में कोई अनकंफर्टेबल एकदम फील नहीं हुआ, मुझे कान में कोई पेन या दर्द वैसा भी कुछ नहीं हुआ। Mi Earphones Basics को यूज़ करके मैंने कुछ कॉल्स भी किया। हाँ, इतने रात को कौन कॉल करेगा, वाइफ ने ही कॉल किया था। तो वहाँ पे जब मैं बात कर रहा था तो मुझे काफ़ी क्रिस्प और क्लियर ऑडियो मिल रहा था कॉल का, और मैंने जब वाइफ से पूछा कि आपको कैसा क्वालिटी मिल रहा है, उनको भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी मिल रहा था। उनको जब मैंने पूछा कि आपको क्या लग रहा है कि मैं फ़ोन से बात कर रहा हूँ या फिर ईयरफोन से, उन्होंने कहा फ़ोन से, क्योंकि ऑडियो अच्छा आ रहा था। मैंने जस्ट नॉर्मल ऐसे इसको पहन के रखा था, अलग से कुछ इसको सामने वामने कुछ नहीं लाया, साइड से ही ऐसे करके मैं बात कर रहा था। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, मुंह के करीब रहता है। और इसके साथ आपका, अगर आप मुझे एक बात में पूछोगे कि 399 रुपया में क्या ये ईयरफोन्स लेने लायक है, हाँ दोस्तों लेने लायक है। साउंड क्वालिटी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, यूज़ करने में कम्फर्टेबल है। आपका केबल जो है उसका भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, 4 फीट से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे केबल मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा लंबा हो या फिर थोड़ा ज़्यादा केबल आपको लगता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डेफिनेटली देखने में भी काफ़ी अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक करके मुझको बताइएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और क्या कहें, सब्सक्राइब कर लीजिए पास से बेल आइकन को बजा के, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही टेक रिव्यूज़ और आपके टेलीकॉम की न्यूज़ हर दिन सबसे पहले मिलता है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, चलो बाय।